हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हाल ही में आप सबने न्यूज सुनी होगी कि चाइना का एक स्पाई शिप जिसका नाम है युआन वैंग 5 श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे डॉक हुआ है। इस शिप की खासियत है कि इस शिप में बहुत एडवांस लेवल के रेडार्स लगे हुए हैं जो एक बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट को ट्रैक करने में सक्षम है, और इसका जो ट्रैकिंग रेडियस है वो 750 किलोमीटर तक है। इंडिया इसे एक हाई सिक्योरिटी थ्रेट मान रहा है क्योंकि इसके ट्रैकिंग रेडियस के अंडर केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आते हैं। DRDO भी अपनी कई मिसाइल टेस्ट इन्हीं एरियाज में कंडक्ट करता है और चाइना इन टेस्ट पे अपनी नज़र रख सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चाइना का स्पाई शिप जो कि एक मिलिट्री शिप है उसको श्रीलंका ने अलाउ कैसे कर दिया, जबकि इनके लीज टर्म्स में साफ साफ लिखा है कि पोर्ट का इस्तेमाल चाइना मिलिट्री एक्टिविटीज़ के लिए नहीं करेगा। तो दोस्तों, ट्विस्ट ये है कि चाइना दुनिया को ये कहता है कि युआन वैंग 5 सिर्फ एक मरीन रिसर्च वेसल है और इसका कोई भी मिलिट्री यूज़ नहीं है। जब इंडिया ने श्रीलंका पे प्रेशर बनाया तो एक बार को श्रीलंका ने इस शिप को डॉक करने से मना कर दिया, लेकिन ये शिप तब भी लगातार श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा था और लास्ट में श्रीलंका को चाइना ने IMF से बेलआउट पैकेज ब्लॉक करवाने की धमकी दी, और इस धमकी के बाद श्रीलंका ने चाइना को ये शिप डॉक करने की अनुमति दे दी। अब श्रीलंका ने इंडिया को ये बोला है कि जब तक शिप डॉक रहेगा ये लोग मेक श्योर करेंगे कि इसके रेडार्स हमेशा ऑफ रहें। दोस्तों, मेरे को सच में हंसी आती है इनकी ऐसी स्टेटमेंट्स पर, जब इनके मना करने के बाद भी चाइना शिप को आराम से ले आया इनकी बिना सुने। तो क्या इनके रेडार बंद करवाने वाली बात चाइना सुनेगा? सिर्फ इतना ही नहीं, श्रीलंका ने अपने डबल स्टैंडर्ड्स दिखाते हुए अपनी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को इस शिप की वेलकम सेरेमनी पर भी भेज दिया। आज की तारीख में श्रीलंका की इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है। लोग वहाँ भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं और बेसिक आटा, दाल, दूध, पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, और ऐसे हालत में चाइना ने इनकी बिल्कुल मदद नहीं की। वहीं इंडिया ने श्रीलंका को 4 बिलियन USD का सॉफ्ट लोन दिया। इन सब के बावजूद भी श्रीलंका बिल्कुल इनसेंसिटिव है इंडिया की सिक्योरिटी और कंसर्न्स को लेकर। आने वाले टाइम में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया अपनी क्या प्रतिक्रिया करता है इस पर्टिकुलर इशू को लेके। तो दोस्तों, आप सब कमेंट करके बताओ कि क्या इंडिया को श्रीलंका की इस हरकत के जवाब में श्रीलंका के अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए या नहीं, और क्या इंडिया के पड़ोसी देश ऐसे ही इंडिया की सॉफ्ट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का फ़ायदा उठाते रहेंगे। ये है वीडियो का अंत। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।